गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो अभी आएंगे आपको हम एम टू में हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज पेज नंबर 64 निकालिए। क्या करना है 64 में, शब्द को पूरे कीजिए। जहाँ खाली जगह है वहाँ पे कुछ बढ़िया शब्द को पूरे कीजिए। जैसे यहाँ प से शब्द है, थ है, पर है, जिसमें कुछ भर के शब्द बनाएंगे। जैसे छ दिया हुआ है तो यह क्या करेंगे पथ्य, अठ दिया हुआ है क्या लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा पठान। इसी तरह ग से है, यहाँ जो दिया हुआ है जगह खाली है, यहाँ क्या बनाएंगे ग, क्या हो जाएगा गज। यहाँ गो आज जो दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे ल, क्या बनेगा बच्चों गजल। उसी तरह न है, यहाँ ट दिया हुआ है तो क्या, तो यहाँ पर अगर न भर देते हैं तो बन जाएगा क्या नटके। और न आ गो है यहाँ न भर दे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नगर। इसी तरह शब्द को पूरा करना है। जैसे ड ड से बनाना नहीं आता, ड दिया हुआ है तो यहाँ ड लिखेंगे तो डर, ड आ ग दिया हुआ है न लिख देंगे तो क्या बनेगा डगर। फिर यहाँ ब है पद, ग च दिया हुआ है न वचन, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह जहाँ ये खाली जगह है तो हमको उसको पूरा करना है। यहाँ है पूरा वही चीज़ है, आप लोग वही शब्द भर भर के और कोई नया शब्द बनाइए। जो जगह खाली है उसको पूरा कीजिए। 64, 65 ये सब में वही है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह शब्द को पूरे कीजिए। थैंक यू।